नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला पलवल के गाँव और ब्लॉक पड़ता है बड़ोली। आइए आपको गाँव का जायजा कराते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला पलवल के गांव बड़ोली में, और आपको बता दें आज का जो हमारा विषय है, हम बात करेंगे एकीकृत बागवानी विकास मिशन के बारे में। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, डॉक्टर अब्दुल रजाक जी जो हैं जिला उद्यान अधिकारी। हम उनसे जानते हैं इस योजना के बारे में। सर, योजना क्या है? एकीकृत बागवानी विकास जो मिशन है, इसको हम MIDH इंग्लिश में बोलते हैं, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसमें ये भारत सरकार की स्कीम है। इसमें हम किसान का जो बागवानी से संबंधित जितनी भी कृषि क्रियाएं या जितने भी बागवानी से संबंधित खेती के कार्य हैं, जैसे कि फल फूल पौधे, उनका रखरखाव, ट्रैवलिंग, उनके ग्रेडिंग पैकिंग, कहाँ लेके जाना है, कहाँ उनको बेचना है, कहाँ ट्रेनिंग होनी है, इन सभी को एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत रखा गया है। इन सभी के ऊपर किसानों को अलग अलग तरह से अनुदान देने का भी प्रावधान है। इस योजना को जो किसान भाई लेना चाहता है, किस प्रकार से ले सकता है? जो भी किसान एकीकृत बागवानी विकास मिशन से जुड़ना चाहता है, वो किसान कुछ कंपोनेंट को छोड़ करके, जैसे बाग की बात करूं मैं, बाग में उसके पास अपनी जमीन होनी चाहिए, सब्जियों और फूलों के लिए वो अपना लीज पे ज़मीन भी ले सकता है, यानी कि जो कि वर्ष में सीजनल फसलें जो हमारी होती हैं बागवानी की, उनके ऊपर यदि अनुदान राशि लेना चाह रहा है किसान, तो वो लीज पे भी लेकर ले सकता है। उसके पास पहला काम अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, दूसरा उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए, तीसरा उसके पास अपनी ज़मीन के कागजात, चाहे अपने ओनरशिप के या लीज धारक होने चाहिए, चौथा उसका बैंक में खाता होना चाहिए, उसका कैंसिल चेक या बैंक अकाउंट की कॉपी। ये ध्यान रखे किसान के जो बैंक में खाता है वो उसके आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी है। एक एप्लीकेशन जो है दरख्वास्त, वो मेरे ऑफिस में कार्य दिवस में 9 से 5 आप आकर के इन सब कागजातों को लेकर भर सकते हो। इसके अलावा यदि कोई किसान ऑफिस में नहीं आना चाहे, तो हमारा एक साइट भी है hortharyana.gov.in, उस पे जाकर के भी अपने कागज़ अपलोड कर सकता है। इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की स्कीमें हैं जो कि बागवानी एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंदर चलाई जा रही है। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको, बताया एकीकृत बागवानी विकास मिशन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं एकीकृत बागवानी विकास मिशन के बारे में, आपको जानकारी है इस योजना की? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, वैज्ञानिक महोदय ने पहले ही बताया था यहाँ आने पर, ये योजना बहुत दिन से चल रही है, जिन 75 साल हो गए हैं, लगभग योजनाएँ डेड पड़ी थी उस समय से, अब ये हमारी जानकारी में ये ला रहे हैं इनको, ये उनके ऊपर कोई सरकार की कोई
क्रियात्मक रूप देने की योजना है। जब योजना 75 साल पहले चालू तो आज तक क्यों नहीं उन पर कार्रवाई हुई, पर जो हो रहा है वो ठीक है। अब जो हमारे टाइम में हो रहा है ये कर रहे हैं, तो इन्होंने जो हमें बताया हम उसके हिसाब से उसको पूरा जो निभाएंगे और करेंगे काम और मेरे बताएंगे। योजना अच्छी लगी आपको? योजना बहुत अच्छी है जी। आप बैठ सकते हैं हमारे बीच में, सब अच्छी होती है किरान। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं एकीकृत बागवानी विकास मिशन के बारे में, आपको इस योजना की जानकारी है? नहीं, पहले नहीं थी, बाकी अब सुना है, डॉक्टर साहब ने बताया तो पता चला है, अच्छी योजना है। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, सवाल करना चाहते हैं? कर लिए सवाल, तो हो गए सवाल जी। आप बैठ सकते हैं, हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं एकीकृत बागवानी विकास मिशन के बारे में, आपको इस योजना की जानकारी है? हाँ अभी पता चली है मुझे इसके बारे में, लेकिन मुझे दो बातों के बारे में पूछना है सर से, कि जो महंगी फसल है जिस तरह की, जैसे कि केसर हो गया और एक चंदन की फसल है, तो उस बारे में क्या बता सकते हैं हमको? देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि वो केसर और चंदन की खेती करना चाहते हैं, किस प्रकार से करते हैं, और क्या अगर हम बात करते हैं जिला पलवल में, क्या वो जिला पलवल में भी कर सकते हैं? आइए अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। किसान भाई के लिए मैं बताना चाहता हूँ, चंदन के लिए ऐसे तो मेरी पैकेज प्रैक्टिस मेरी यूनिवर्सिटी यहाँ पे अलाउ नहीं करती है। यहाँ पे जो फलदार और सुगंधित पौधे हैं, ये सुगंधित पौधों में इसका नाम आता है, तो इस सुगंधित पौधे को यहाँ के लिए सर्वाइव करने के लिए अच्छा नहीं बताया गया है, यहाँ की जो जलवायु है उसके अनुकूल नहीं बताई गई है। पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, हसनपुर में और होडल में एक किसान ने 2 एकड़ में चंदन की काश्त कर लास्ट ईयर चंदन लगाया था। हाँ उस पे मैं आपको जो अनुदान राशि है, जो सुगंधित पौधे होते हैं, सुगंधित खेती जो होती है, उसके ऊपर एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंदर 16,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान राशि देने का प्रावधान है। लेकिन क्योंकि इसकी जलवायु, हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक जिस यूनिवर्सिटी से हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश में हम चीज़ें लागू करते हैं, वो इस बात को मना करते हैं कि हाँ चंदन नहीं सर्वाइव करेगा। दूसरी बात किसान भाई ने पूछी है केसर, केसर के लिए मैं बता दूँ, केसर उस जगह पे उगाया जाता है जहाँ की टेम्परेचर -डिग्री तक जाता है और साल भर टेम्परेचर डाउन रहता है, तो हमारे हरियाणा के अंदर केसर को नहीं उगाया जा सकता। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं एकीकृत बागवानी विकास मिशन के बारे में, आपको जानकारी है इस योजना की? नहीं अभी जानकारी मिली है, जैसे जैसे डॉक्टर साहब के सुना है, बाकी मैं डॉक्टर साहब से ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जो यहाँ से बीज प्रोवाइड करते हैं भाई, वो हॉर्टिकल्चर से भी बीज प्रोवाइड किए जाएंगे? देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है, जो उनको बीज जो प्रोवाइड किए जाते हैं, क्या हमारे जो जिला उद्यान विभाग है वहाँ से भी उनको बीज प्रोवाइड होंगे? आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। मैं किसान भाई को ये बताना चाहता हूँ कि किसान को हमने खुला छोड़ा हुआ है, यदि कोई किसान भाई खुद अपना बीज खरीदता है, जो कि हमारी संस्था है, भारत सरकार की या हरियाणा सरकार की कोई भी संस्था है, उससे आप खुद परचेज कर सकते हैं। यदि वो बीज नहीं मिलता है, आप कम से कम 50 एकड़ के लिए किसान एकत्रित होकर के मेरे से किसी भी बीज के लिए आप कहेंगे कि हमने ये संकर जाति की फसल का बीज हमें चाहिए, क्योंकि मैं बागवानी वाला हूं तो मैं सब्जी से संबंधित ही बात करूंगा, तो सब्जी से संबंधित जो बीज आपको चाहिए, जो किस्म चाहिए, यदि वो आपको मार्केट में नहीं मिल रही है या सरकारी संस्था पे उपलब्ध नहीं है, तो आप 50 एकड़ के किसान मिलकर के मेरे यहां अपना अनुदान के लिए अपनी दरखास्त दे सकते हैं, मैं आपको विदिन 7 डेज यानी कि 7 दिन के अंदर आपको वो बीज उपलब्ध करा दूंगा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे एकीकृत बागवानी विकास मिशन से और भी लाभ।
ये क्या हो रहा है? काश्वी, इतने कम मार्क्स? काशु बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो, आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब वो देखो, सिर्फ पैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचान है PGS ऑर्गेनिक का ये लोग, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कैसे लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहे? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ, पर हम तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गांव बड़ोली की चौपाल चर्चा से आज हम बात कर रहे हैं एकीकृत बागवानी विकास मिशन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं एकीकृत बागवानी विकास मिशन के बारे में, आपको इस योजना की जानकारी है? पहले नहीं थी, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा विस्तार से बताया इसके बारे में। एक तो हमारे जैसे किसान भाई सब्जी लगाते हैं, तो वो जो बाजार से बीज लाते हैं हाइब्रिड का, तो कह के तो वो हाइब्रिड का आता है परंतु उस पर फल नहीं लगता है, एक तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता तो है। तो ये आप पूछना चाह रहे हैं कि हाइब्रिड का जो बीज है उसकी पहचान कैसे हो? बिल्कुल और कहाँ से मिलेगा? देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि लेके तो वो हाइब्रिड बीज आते हैं परंतु जो उसका उत्पादन होता है तो हाइब्रिड जैसा नहीं होता, तो उसकी पहचान क्या होगी और कहाँ से अच्छी प्रजाति का उत्तम बीज उनको मिलेगा? आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। मैं अपने किसान भाई को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो सरकारी संस्थाएं हैं, यदि आपने हाइब्रिड बीज वहाँ से खरीदा है तो उसमें आपको शंका करने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी बात, यदि आप ओपन मार्केट से वो चीज़ खरीदना चाह रहे हैं तो आप केवल उस बीज वाली दुकान से बीज खरीदें जहां से आपको पक्का बिल मिलता है। आप अपना जब बीज खरीदोगे, यदि उससे आपने अपना पक्का बिल मांगा है, उस बिल के ऊपर यदि किसान उस किस्म का कोड अंकित करके, उस पे सारी डिटेल लिखी होती है बीज के ऊपर, यदि वो अंकित करके आपको बीज दे रहा है तो वो कभी आपके साथ धोखा नहीं करेगा। आप बैठ सकते हैं, हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं एकीकृत बागवानी विकास मिशन के बारे में, आपको इस योजना की जानकारी है? मेरे को इस योजना की जानकारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को जानकारी का अभाव होता है। मुझे इसकी जानकारी है लेकिन बहुत सारे किसानों के सवाल यही हैं कि अभी ही जानकारी का पता चला है, पहले पता नहीं चला था। तो मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि किसानों को जानकारी का कैसे पता लगे? अभी तक उन किसानों को इस जानकारी का पता क्यों नहीं लगा और आपके द्वारा किसानों को जागरूक क्यों नहीं किया जा रहा? और किसान लगातार जब जागरूक होंगे तभी योजना का लाभ ले पाएंगे। और आपके माध्यम से सरकार से मेरी एक गुजारिश है कि आजकल जो खेतों के बंटवारे हैं वो बहुत कम होते जा रहे हैं, यानी ज़मीन का जो एरिया है वो कम होता जा रहा है। तो ये जितनी भी योजनाएं हैं, ये 2.5 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़ इससे ऊपर चल रही हैं या इसके समीप हैं,
तो इसमें कम से कम एक एकड़ से जो नीचे वाला किसान है वो हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो उसको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। और मेरी यही खास सवाल है अधिकारी जी से। जी, हमारे बीच विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। किसान भाई ने पूछा है मेरे से अभी कि इसके बारे में अभी तक जानकारी क्यों नहीं है। मैं आपको बता दूं कि संसाधन गवर्नमेंट के पास जो बेसिक वर्कर होते हैं वो एक लिमिटेड फॉर्म में होते हैं, उनकी संख्या बहुत कम होती है। मैं डिस्ट्रिक्ट पलवल की बात करूं तो 288 गांव पलवल में लगते हैं। जो स्ट्रेंथ है गवर्नमेंट की तरफ से, मेरे पहले 4 ब्लॉक थे, अब 6 हो गए हैं। तो इन पे जो गवर्नमेंट की प्रक्रिया है वो थोड़ा टाइम लगता है जो नए भर्तियां करने में, लेकिन जानकारी के लिए मैं लगभग हर हफ्ते या 15 दिन में मैं अखबार में एड निकालता रहता हूँ, अखबार में आते रहते हैं, अखबार में जो हमारी स्कीमें लागू होती रहती हैं उनके अपने उपायुक्त माध्यम के माध्यम से, या मैं यूट्यूब पे भी होता हूँ, मैं अखबार पे दूरदर्शन के माध्यम से भी पे भी होता हूँ। तो मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को मेरी बातें, मेरे जो एकीकृत बागवानी मिशन या बागवानी विभाग की स्कीमें जो चल रही हैं उन हर किसान तक वो पहुँच जाए, तो मेरा ये टारगेट है। मैं आगे कोशिश करूँगा कि यदि कोई किसान भाई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हमें देता है कि जी मैं मेरे गांव में आप आइए, मेरे गांव में मैं 100 या 50 या 20 किसान इकट्ठा करके रखूंगा और हमें ये जानकारी दीजिए, तो मैं ये वादा करता हूं आपके सामने कि मैं ज़रूर उस किसानों के बीच में उपस्थित होऊंगा। दूसरी बात पूछिए किसान भाई ने मेरे से कि जी जोत का जो आकार है वो कम हो गया है, तो जो बैंकेबल जो प्रोजेक्ट हैं जिसमें किसान जैसे पैक हाउस हो गया, कोल्ड स्टोरेज हो गया, या आपका राइपनिंग चैम्बर हो गया, जो कुछ ये भारत सरकार ने पूरे सर्वेक्षण करने के उपरांत ही ये स्कीमें बनाई गई हैं, तो जो स्कीम भारत सरकार लेवल पे बनाई गई है वो सबको मद्देनज़र रख करके ही बनाई जाती हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं इस योजना के बारे में। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं एकीकृत बागवानी विकास मिशन के बारे में, आपको जानकारी है इस योजना की? मैं अभी तक तो नहीं थी लेकिन अभी हुई है। ये योजना कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी है। आप इस योजना से जुड़ेंगे? बिल्कुल जुड़ेंगे। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि अभी तक उनको जानकारी नहीं थी परंतु अब मिली है तो वो इस योजना से जुड़ेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं एकीकृत बागवानी विकास मिशन के बारे में, आपको ये योजना कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा जी, डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन मैं जो भाई साहब हरिंदर ने जो बात बताई हमको डॉक्टर साहब से प्रश्न किया है उसे जवाब नहीं दिया। 2.5 एकड़ फैलावट जो मतलब क्षेत्रफल जो है कम होता जा रहा है, और 2.5 एकड़ के लिए बोला डॉक्टर साहब ने, 2.5 एकड़ से मतलब जो अपना जो अनुदान मिलता है या जो लोन मिलता है, स्कीम मिलती है, वो कम होना चाहिए, क्षेत्रफल मतलब कम होना चाहिए। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि जो 2.5 एकड़ के जो किसान हैं या उससे अधिक, तो कह रहे हैं कि जो योजनाएं हैं उनको लाभ की प्राप्ति मिलती है, जो छोटे जोत के किसान हैं क्या उनके लिए भी कोई योजना है? मैं अपने किसान भाई को बता दूं कि बागवानी से संबंधित जितनी भी योजनाएं उसमें पट्टे वाला किसान और कम से कम जोत वाला किसान भी अनुदान लेने का पात्र है, लेकिन जैसे कि हरिंदर भाई ने अभी पूछा था कि पैक हाउस बनाने का मकसद है हमारा उसमें सामान को पैक करना। जब हमारे पास आधा किला रहेगा तो उस पर सामान कहाँ से लाएंगे, किस चीज़ की पैकिंग करेंगे? ट्रैक्टर खरीदना, जब हम ट्रैक्टर खरीदेंगे तो मान ले मेरे पास आधा एकड़ ज़मीन है तो उससे मैं जोत किसकी करूँगा? तो जो कुछ कंपोनेंट हैं जैसे कि पैक हाउस बनाना, राइपनिंग चैम्बर बनाना, ट्रैक्टर खरीदना, आउटलेट बनाना, उन चीज़ों में आपके पास 2.5 किला ज़मीन होनी कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि आपके पास उसके लायक अपना उत्पाद हो जाए, किसी दूसरे से उत्पाद ना लेना पड़े। इसके अलावा जितनी भी बागवानी से संबंधित हैं, चाहे वो सब्जी से है, फूलों से है, ट्रेनिंग से हो, गाढ़ी से हो, या आपके मशरूम से, वो कोई भी किसान जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं है लीज पर लेना चाहे तो उनके लिए भी ये सुविधाएँ उपलब्ध हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ।
कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ ना लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव बड़ोली की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं एकीकृत बागवानी विकास मिशन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं। आपको इस योजना की जानकारी है? नहीं है जी, अब जानकारी हुई है। आपको योजना कैसी लगी है? ठीक लगी है जी। आप इस योजना से जुड़ना चाहेंगे? हाँ जी। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, सवाल करना चाहेंगे? नहीं, आप बैठ सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं एकीकृत बागवानी विकास मिशन के बारे में। आपको इस योजना की जानकारी है? सर जानकारी पहले तो नहीं थी, पर अब मैं ये पूछना चाहता हूँ सर से कि सर जो किसान है वो तो फसल तो पैदा कर देगा, लेकिन सरकार ने ऐसे क्या रिसोर्स तैयार किया, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाया कि जहाँ पे वो जाके अपनी फसल बेच सके अच्छे से और उसको उसका उचित दाम मिल सके? और जो योजनाएँ सर उनकी जानकारी भी बहुत कम किसानों को हो पाती है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे सोशल मीडिया के ऐसे माध्यम बनने चाहिए जिनसे किसानों को प्रॉपर जानकारी मिल जाए। तो जैसे आज तो सर काफ़ी दिन बाद जैसे हमारे पास आ गए हैं आज, तो हमें आज जानकारी मिल गई, लेकिन ये चीज़ हमें सोशल मीडिया के माध्यम से टाइम टाइम पे मिलनी चाहिए। देखिए हमारा किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि उत्पादन तो हो जाएगा, परंतु जब मार्केट की बात आती है तो कोई सरकार द्वारा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां वो अपने उत्पाद को बेच सकते हैं? मैं आपको बता दूं कि जो आपको FPO जो कि भारत सरकार ने 28 फरवरी 2020 को लॉन्च की थी, उसका तात्पर्य, उसका जो FPO बनाने का मकसद ही है कि आप अपने उत्पाद को अच्छी क्वालिटी के साथ हिंदुस्तान के किसी कॉर्नर में भी बेच सकते हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हरियाणा गवर्नमेंट ने आपकी जो 14 फसलें हैं जिनमें 14 सब्जियों की फसलें हैं, 2 मसालेदार फसलें हैं, 5 फलदार फसलें हैं, उन 21 फसलों को भावांतर भरपाई योजना में शामिल कर लिया है। उन सभी का एक रेट फिक्स कर दिया गया है, यदि किसान का उस रेट से कम दाम में वो फसल बिकती है, जो एक रेट तय कर दिया गया उस रेट के बीच का जो गैप है, उस गैप के जितना पैसा किसान का बनेगा हम उस किसान के खाते में DBT के माध्यम से वो पैसा देने के लिए तैयार हैं। और दूसरा सर हमारे किसान भाई का ये भी सवाल था कि प्रचार और प्रसार
हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जैसे आज जानकारी मिल गई है, परंतु आगे भी वो इस योजना की जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपके द्वारा प्रचार और प्रसार किस तरीके से किया जा रहा है? वैसे तो हर वीक अखबार के माध्यम से, क्योंकि ज़्यादातर लोग अखबार पढ़ते हैं, अखबार के माध्यम से हम अपनी स्कीमों को विस्तृत रूप से जानकारी देते रहते हैं। जहाँ तक मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट पलवल की बात करूँ, तो मैं यूट्यूब पे बहुत सारी स्कीमें जो चलती हैं मेरी, उनको मैं यूट्यूब पे भी होता हूँ। इसके साथ साथ मैं आगे कोशिश करूँगा कि मेरे जो जितने भी फील्ड फंक्शनरीज हैं, जितने कर्मचारी हैं, वो हर गांव जा करके आपको इन जितनी भी स्कीम बागवानी विकास मिशन के माध्यम से चलाई जा रही है, उनको आपके द्वारा आपके तक पहुँचाया जाए। देखिए, हमारे किसान भाई ने जो सवाल किया था हमारे वैज्ञानिक से, तो हमारे वैज्ञानिक ने उसका बहुत अच्छा उत्तर दिया और बताया कि किस तरीके से हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे किसान भाई जो डीडी किसान चैनल देख रहे हैं, वो भी हमारे डीडी किसान चैनल से जो हमारे सरकार द्वारा जो योजनाएँ चल रही हैं, आप इससे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं और इससे जानकारी भी ले सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम को अब आप YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव बड़ोली की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।